अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई अभी हम लोग को मिल गई है टोयोटा FG40, जो है गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो ये अभी मुझे मार्केट में मिली, तो मैंने बोला चलो यार इसकी वीडियो तो हम अलग से ही करेंगे। अभी इसकी क्या डिमांड है और कैसे मॉडिफिकेशन करी और क्या इस पर खर्चा आया। आर्मी ऑप्शन की जो है ये गाड़ी है, तो गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी सी मॉडिफाई इन्होंने कर रखी है और सारी चीज़ें बहुत डिटेलिंग में जो है वो रखी हुई है। तो अभी कोशिश करूंगा कि इसकी एक एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं और अच्छे से जो है वीडियो जो है आप लोगों को दिखाई जाए इसकी और पैसे बताए जाएँ कि क्या। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करूँ तो फ्रंट लुक तो आते ही इसका बड़ा ख़तरनाक है और गाड़ी जो है ये होती एक अलग ही आप लोगों को रोड पर चलती फिरती जो है वो दिख जाती है। तो सबसे पहले तो भाई फ्रंट देख लो इसका, इन्होंने प्रॉपर सारी चीज़ें जो है इसकी कंप्लीट करी हुई है, कोई भी चीज़ इसकी मिसिंग नहीं है। भाई जो मुझे बताया वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। बाकी ये इंजन क्या है, कौन सा है और वो सारी चीज़ें भी जो है मैं आपसे डिटेल में जो है वो बात होगी काफ़ी अच्छे से। बाकी के गाड़ी इन्होंने थोड़ी ऊपर उठाई हुई है और काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। तो साइड्स वगैरह और बाकी बैक साइड वगैरह जो है इन्होंने बहुत अच्छी सी डिटेलिंग में करके रखा हुआ है। पूरी लेदर जो है, जो लेदर की जो है पूरी छत वगैरह रूफ होती है वो सारी इन्होंने अच्छी सी जो मेंटेनेंस में रखी हुई है गाड़ी। बाकी एक बैक साइड से भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो पहले साइड वगैरह देख लो अच्छे से कि भाई डिटेलिंग कितनी अच्छी करी हुई है इन लोगों ने। बाकी एक सारी चीज़ें तो जब हम ऑनर से इनके बात करेंगे तो वो हमें अच्छा सा गाइड करेंगे कि भाई कितना पैसा खर्च हो गया, क्या हो गया इस गाड़ी पर और इसकी डिमांड क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो फिर आपको अच्छे से जो है मालूम पड़ेंगी। तो चलते हैं अभी इसकी बैक साइड और बैक साइड भी देख लेते हैं। सो बात करूं भाई बैक साइड की, तो बैक साइड भी इसकी कंप्लीट है। जो आती हैं चीज़ें मेरे ख्याल से उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होंगी, कोई चीज़ कम नहीं है इसकी। इन्होंने सारा पूरी चीज़ें इसकी जमा करके जो है FG40 की वो लगाई हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है यार अरेंज करना चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है पुरानी गाड़ी होती है तो उसका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी की रजिस्ट्रेशन जो है ये अभी की बता रहे थे भाई मुझे, करीब की 2014 की बता रहे थे या कुछ ऐसी बता रहे थे, तो वो भी मैं मालूम कर लूँगा। उससे पहले ही कि गाड़ी पूरी देख लें आप लोग अच्छे से तसल्ली से, तो गाड़ी अभी आप लोगों ने पूरी देख ली। तो अभी भाई बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी जो है इन्होंने बिल्कुल अच्छे से जो है वो चमका के रखा हुआ है। कोई डस्ट वगैरह नहीं, कोई रस्ट वगैरह गाड़ी पे नहीं दिख रही है और बिल्कुल डिटेलिंग के लिए इन्होंने अच्छा सा जो है वो जो लटकाई हुई चीज़ें, चेन वगैरह लटकाई हुई जैसी गाड़ी उस तरीके की चीज़ें इन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाई हुई हैं। बाकी इन्होंने कस्टम करा हुआ है इसका डैशबोर्ड जो है पूरा, आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे स्विचेस वगैरह और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं इसमें, यानी कि इन्होंने खुद ही मॉडिफाई किया है मेरे ख्याल से जो भी करवाया है, तो वो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। बस से आप चलते हैं भाई से और मालूमात ले लेते हैं कि भाई इसकी क्या डिमांड है और कौन। सो अभी मेरे साथ मौजूद है माजिद भाई। तो माजिद भाई की जो है ये गाड़ी है और गाड़ी तो ओवरऑल आप लोगों ने देख ही ली, इन्होंने फुल कस्टमाइज करके अच्छे से जो है वो डिटेलिंग में गाड़ी जो है वो रखी हुई है। तो गाड़ी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो माजिद भाई क्या ख्याल आया, आपने कैसे उठाई और कैसे बनाई, क्या सोचा था आपने? ठीक है, और शौकिया चला रहे हैं, अभी दूसरी गाड़ी भी है इसलिए इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आप शौक में जो है ये आपने गाड़ी पूरी जो है वो मॉडिफाई करी हुई है। तो गाड़ी अच्छी सी मॉडिफाई कर ली है, तो तकरीबन क्या खर्चा आया इसके ऊपर माजी भाई? भैया इस पे आई है तकरीबन 9.5 लाख रुपये। ठीक है, 9.5 लाख रुपये तक आपका खर्चा आ चुका है इस पर। तो आपने चीज़ें वगैरह क्या शेरशाह वगैरह से अरेंज करी सारी चीज़ें, क्योंकि इसकी चीज़ें तो बहुत मुश्किल से मिलती गई, जो अच्छा लगा इस पे। अच्छा, सूट जो सूट करता क्या वो लगाते हैं वो लगा दिया। माजिद भाई अभी आप इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? अभी इसकी 7 लाख डिमांड कर रहे हैं, गाड़ी चला चुके हैं, शौक थोड़ा पूरा। हाँ ये तो है, क्योंकि लगाए हुए पैसे तो नहीं मिलते, वो तो जाहिर सी बात है। 7 लाख रुपए जो है वो डिमांड कर रहे हैं भाई माजिद भाई इसकी। बाकी गाड़ी तो ओवरऑल आप लोगों ने देख ली है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। बाकी माजिद भाई मॉडल क्या बताया? 81 मॉडल है, 2014 की रजिस्टर्ड है। ठीक है, 81 का जो है ये मॉडल है और 2014 की जो है वो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ये जो है वो आर्मी ऑप्शन की जो है वो गाड़ी है। तो जाहिर सी बात है इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी की है, जब ये ऑप्शन हुई होगी गाड़ी जाहिर सी बात है फिर इसकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी। तो माजिद भाई ये तकरीबन ऑप्शन कब हुई है गाड़ी? 2014 में ही आपने ऑप्शन में ली थी? जी। ठीक है, 2014 में ही जो है ऑप्शन में ली थी, तो ऑप्शन की गाड़ी है। बाकी CPHC वगैरह सारी चीज़ें जो है उसकी क्लियर है। अच्छा माजिद भाई इसका इंजन मुझे बता दीजिएगा। इसका 42 cc है। अच्छा ठीक है, 42 cc जो है वो इंजन है। 42 cc कौन सा है अब ये मुझे डिटेल में नहीं पता, अभी पूछते हैं माजिद भाई। इंजन कौन सा है इसका? अपना अपना है पेट्रोल और CNG पर। ठीक है, पेट्रोल CNG दोनों पे जो है इनका जो है वो ऑन है इंजन। बाकी की गाड़ी तो आप लोगों ने देख ली है, डिमांड भी मैंने आप लोगों को बताई, 7 लाख रुपये डिमांड करें। माजिद भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिएगा। तो ये माजिद भाई का नंबर है। तो भाई बहुत ही मैंने आप लोगों को अच्छी गाड़ी दिखा दी है और सारी चीज़ें बता दी हैं, तो बस आप माजिद भाई से कांटेक्ट करो और मालूमात ले लो। बाकी है कि माजिद भाई के पास एक और गाड़ी है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में माजिद भाई से कांटेक्ट करूं और उस गाड़ी की सिनेमेटिक एक वीडियो आप लोगों के सामने आए, तो वो भी देखना, एंजॉय करना। वो अभी नहीं करनी है, अभी उसका शौक हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, वो अभी ये गाड़ी देनी है, अभी फिलहाल तो ये गाड़ी देनी है, वो गाड़ी बाद में आएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।